नमस्ते दोस्तों, आज हम हैं टाटा स्टील जियोलॉजिकल पार्क में जो जमशेदपुर में लोकेटेड है और ये जमशेदपुर झारखंड में इंडिया का एक अंश है। जमशेदपुर में इस पार्क को हम सफारी पार्क से जाने जाते हैं और इस जू को मैं आज देखने आया हूँ। यहाँ पे घुसते ही मुझे कुछ एक इन्फॉर्मेशन मिली जहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे लेजर शो भी होती है और इस सफारी पार्क में लेक हम आपको दिखा रहे हैं और साथ में बहुत ही अच्छी और हरियाली वादियाँ इसके अंदर है। मतलब आप अगर इसमें आएंगे ना तो आपको काफ़ी पॉल्यूशन मुक्त एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे आप एक अच्छी स्वास्थ्यकारी हवा और स्वास्थ्य के लिए बढ़िया एक परिवेश आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात है इस पार्क में कि इस पार्क की ना सफाई बहुत अच्छी तरीके से टाटा स्टील मेंटेन करती है और इस पार्क की काफ़ी स्पॉन्सरशिप भी है। तो इस पार्क में अभी हम घुसते ही कुछ एक जगह से शुरू कर रहे हैं जहाँ से हमें पता चलेगा कि पार्क के अंदर कैसे कैसे क्या चीज़ होती है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरे वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। तो पहले हम आपको दिखा दिए कि एक टॉयलेट की जगह थी जो हम लोग क्रॉस कर चुके हैं और देख रहे हैं कि कुछ एक लोग भी पार्क में हैं और इस पार्क में मौसम बहुत अच्छी रहती है, एकदम शांत रहती है, हरियाली बहुत अच्छी है। अब हम आगे की ओर जा रहे हैं और पास में बहुत बढ़िया लेक है जहाँ से बहुत अच्छी व्यू मिलती है और आप देखें तो पार्क के चारों ओर सफाई काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन की गई है। और आपको बता रहे थे कि देखिए टॉयलेट घुसते ही आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएंगे और साथ ही हम आस्ते आस्ते जब सामने की ओर बढ़ेंगे तो हमें मिलेगी जियोलॉजिकल पार्क की मेन गेट और उसके साथ ये टिकट काउंटर। यहाँ पर ना आपको टिकट काटनी रहती है जहाँ पर बच्चों के लिए एक अलग अलग फ़ी है और बड़ों के लिए अलग अलग। तो बच्चों के लिए जैसे दिखा रही है कि ये 20 रुपये है और बड़ों के लिए 30 रुपये। तो आपको यहाँ पे टिकट लेनी पड़ती है और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपको गेट में देखी जाती है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन हमें फॉलो करनी पड़ती है नहीं तो हमारी फ़ाइन हो सकती है। कैमरे के चार्जेस वगैरह मैंने देखा कि लिखी हुई है पर देखते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि मुझे जैसे पता है कि चार्जेस वगैरह नहीं लेनी चाहिए तो मैं अभी इस गेट में घुस चुका हूँ और मुझे सिर्फ प्लास्टिक वगैरह इन लोगों ने मना कर दिया और खाने में आप कुछ सूखी हुई चीज़ें ले सकते हैं जो अंदर आप खाएं। तो ये घुसते ही चारों ओर की बहुत अच्छी वादियाँ दिख रही है, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे और काफ़ी अच्छी अच्छी मतलब पेड़ पौधे भी इन लोगों ने लगा के रखे हुए हैं। तो मुझे जो दिख रही है यहाँ पर काफ़ी फैमिलीज आते हैं, काफ़ी ग्रुप्स आते हैं जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी एंजॉय ले रही है, काफ़ी एंटरटेनमेंट कर रही है। तो मैं भी जाता हूँ सामने की तरफ, मैं इस जू में पहले कभी आया नहीं हूँ तो मेरे लिए भी ये उसी तरीके का सरप्राइज़ है जैसे आप अगर पहली बार देख रहे हो तो आपको लगेगी। यहाँ पे हमें ये कुछ गाड़ियाँ मिली तो मैंने गाड़ियों से भी बात कर ली क्योंकि मुझे जैसा पता चला कि ये काफ़ी बड़ी जू है तो पूरी मैं कवर नहीं कर पाऊँगा तो मैं एक गाड़ी ले लिया और गाड़ी में मैं अब जू के शेयर करना शुरू किया हूँ और मैं साथ में कुछ एक वीडियोस भी ले रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस वीडियोस को ना आप काफ़ी मज़े से देखेंगे, काफ़ी एंजॉय करेंगे, आप अपने परिवार, बच्चे, दोस्त सब के साथ देखेंगे और फिर आप अगर इस जू में जाने की प्लान करें तो आपको दिक्कतें भी नहीं होगी जब आप रियली में ये सारी चीज़ खुद देख पाएंगे। तो जब मैं इस जू में कंटिन्यू जाता जा रहा हूँ तो मैं जितनी अंदर जाता हूँ मुझे अच्छी अच्छी तरीके की बच्चों की पार्क, अच्छी अच्छी ग्रीनरीज, अच्छी अच्छी पेड़ पौधे और साफ़ सफाई मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं इतनी अच्छी साफ़ सफाई मैं बहुत सारे जू में घूम चुका हूँ लेकिन मुझे नहीं मिली है। तो और आप देखिए तो इस जू इस तरीके से बनी हुई है कि आपके एक साइड में पूरी लेक है और एक साइड में पूरी हरियाली, पेड़ पौधे और सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो जा रहा हूँ अपने इस जो सफारी में मुझे जो ड्राइवर ले जा रहे हैं मैं इसी के भरोसे जा रहा हूँ। अब देखता हूँ कि ये मुझे कहाँ ले जाती है। तो मुझे इन्होंने सजेस्ट किया कि आप यहाँ पे उतर के देखो। तो चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे उतर के सामने की ओर क्या है। उन्होंने मुझे पहले इस स्टॉपेज पर उतारा। उतरने के बाद मैं यहाँ आगे की ओर अगर बढ़ता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत एक आप देख रहे बुज़ुर्ग भी जा रहे हैं और सबको यहाँ पे जा पा रहे हैं। मतलब यहाँ पे जाने की कोई दिक्कतें नहीं है, हम सब कोई भी कितने भी उम्र के हो यहाँ पे जा सकते हैं। रास्ते बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई है और चारों ओर की जो एम्बियंस है, चारों ओर की जो प्राकृतिक दृश्य है काफ़ी सुंदर तरीके से मेंटेन की गई है, आपको एकदम नेचुरल व्यू मिलेगी। तो चलिए मैं यहाँ पर अभी जा के देखता हूँ। यहाँ पे कुछ एक मुझे लगता है एमू टाइप की पक्षी है जो अंदर में है, वो एक मुझे दिखी और भी हो सकती है कि मौसम की वजह से अंदर छुपी हुई हो, अपने अंदर बैठी हुई हो, वो नहीं आ रही है। तो ये एमू जो है मैं देखा कि इसकी साइज़ काफ़ी अच्छी है, आप देखिए इसको एंजॉय कीजिए, अपनी मर्जी से वो कुछ खा रही थी तो मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है तो मैं खड़े होकर देख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि
आपको भी अच्छा लग रहा होगा इसको देखने में। तो ये मैं देखने के बाद फिर मैं वहाँ से निकलता हूँ, और निकलते निकलते मैं गाड़ी की ओर जब आता हूँ तो मैं हर जगह पे देख रहा हूँ कि रास्ता वगैरह अच्छी बनी हुई है। मैं आपको इसलिए दिखा देता हूँ कि शायद आप जब मेरे बाद आए तो आपको बहुत एक दिक्कत ना हो। और ये मेरी वो गाड़ी है जिस पे मैं ट्रैवल कर रहा था, एक सरदार जी हैं वहाँ पे, काफ़ी अच्छे व्यवहार भी किए हैं हमारे साथ। तो अब मैं फिर बैठ के उनके साथ अपने सामने की ओर जा रहा हूँ, और मैं बैठा हूँ पीछे की तरफ ताकि मैं वहाँ से कैमरा ले पाऊँ। पीछे बच्चों को बैठना अलाउड नहीं है उस गाड़ी में, मैं पीछे बैठा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि कैमरा में कुछ एक ऐसे सीन, ऐसे अच्छी अच्छी दृश्य आपको दिखाऊँ कि आपको और ज़्यादा अच्छा लगे। तो मुझे फिर एक अच्छी जगह पे उतार दिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। अब पता नहीं यहाँ पे मैं जाके फिर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे भी कुछ एक चीज़ ज़रूर मिलेंगे देखने, क्योंकि मैं भी पहली बार हूँ, मैं नया हूँ। आप भी मेरे साथ इसका मनोरंजन और आनंद उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी व्यूज़ है चारों ओर, आप अपनी अच्छी अच्छी सेल्फीज़, अच्छी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं। अभी तक फ़ोटोग्राफ की कोई चार्जेस इन लोगों ने नहीं लगाई, तो मनोरंजन तो काफ़ी हो रही है मेरी भी। लेकिन मेरे पास सारे घूम के ये फोटो, ओ यहाँ पे तो एक हाइना है, अच्छा, एंड वो कुछ कर रहा है अंदर, देखते हैं वो क्या कर रहा है पहले। हाँ, हाय, और इनके हेल्थ ठीक है, इन लोग को एक्चुअली बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट स्पॉन्सरशिप किए हुए हैं खाने पीने के लिए। तो यहाँ पे जानवर का थोड़ा सा देखभाल अच्छी तरीके से होता है, खाना वाना अच्छा मिलता है। अब देखिए वो हाइना जा रहा है, अरे वाई कहीं पे डिड यू छुप गया वो ओके पेड़ के पीछे, नेवर पता नहीं। ओके तो मुझे तो बढ़ना है क्योंकि मुझे और भी सारी चीज़ें देखनी है, आपको दिखानी है। तो मैं फिर निकल चुका हूँ और बहुत सारे परिवार में देख रहा हूँ, अपने अपने बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, बहुत जन अपने माता पिता या सास ससुर, बहुत फैमिली अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। तो ये जगह ऐसे बनी हुई है कि आप किसी को भी लेके आ सकते हैं और काफ़ी मनोरंजन होगी आपकी। तो फिर मैं वहाँ से निकलता हूँ, निकल के फिर मैं अपनी गाड़ी की ओर जाऊँगा। बहुत सारी जगह है जो आप पैदल घूम सकते थे, लेकिन समय ज़्यादा लगता है तो मेरे पास समय कम है। फिर मैं आ गया, ये घड़ियाल है यहाँ पे, कुछ एक मगरमच्छ है उसको देखने। तो मुझे यहाँ पे उतारे, मैं जब यहाँ पे आया सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे और मना कर रहे थे कि ये तार वगैरह कोई ना छू। तो हम आपको बोलेंगे कि बच्चे वगैरह को ले जाते हैं ना, तो ये तार वगैरह छूने को मना कर दें क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए है, किसी तरीके की दुर्घटना घट जाए। तो यहाँ पानी के अंदर तो मगरमच्छ छुपी हुई है, अब वो आएगी कैसे? मैं थोड़ा उसके मगरमच्छ के बारे में भी पढ़ लिया कि मगरमच्छ थोड़ी लंबी चौड़ी होती है, 5 मीटर लंबी होती है, और बहुत सारी डिटेल वहाँ पे दी हुई है। आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अरे ये एक मगरमच्छ मुझे दिखा जो बाहर पे धूप में सो रही है, और दूसरी तरफ तो पानी के अंदर थी। तो मगरमच्छ की जो साइज़ वगैरह है काफ़ी बड़ी है, काफ़ी शानदार है मगरमच्छ। आप देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इस तरह के रियल एनवायरनमेंट में। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और फिर मैं कोशिश करूँगा अब अगली जो जगह है वहाँ पे मुझे जहाँ ले जाएंगे उसको दिखाने का। तो मैं अपनी फिर पीछे की सीट में बैठ जाता हूँ और पीछे की वीडियोस करता हुआ मैं फिर चलूँगा। और जितनी वीडियोस आप बढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे ना, आपको इतनी अच्छी एम्बियंस मिलेगी, एक तरफ लेक, एक तरफ पेड़ पौधे। आपको बहुत कम जू ऐसे मिलेगी जहाँ पे इतने सुंदर प्राकृतिक दृश्य आपको दिखाई देंगे और हरियाली इतनी अच्छी दिखाई देगी। तो मैं इस एम्बियंस से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ पे बोल रहे थे कि पेड़ के अंदर काफ़ी चमगादड़ होते हैं, मतलब हजारों लाखों की तादाद में चमगादड़ पेड़ में है। तो मैं बिकॉज गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं रुका नहीं, मैं मुझे देर हो जाएगी, लेकिन ये पेड़ में ना आप दोनों तरफ देखेंगे, इस जगह पे जहाँ पे मैं क्रॉस कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा चमगादड़ रहते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद मैं अभी जा रहा हूँ और देखते हैं कि अगली कहाँ पे मुझे ये उतारते हैं। तो उस बेसिस पे मैं आपको फिर दिखाता हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा दूसरों गाड़ी से आगे बढ़ गया, तो उन्होंने, ड्राइवर ने मुझे कहा कि सामने हो की और रुकने से मुझे यहाँ पे लायन और टाइगर थोड़ा नज़दीक से दिखाई देंगे। तो पीछे की तरफ से भी आदमी और कोई भी दर्शक जा सकते हैं। तो इन्होंने मुझे थोड़ा सुविधा के लिए, बिकॉज़ बहुत सारे जगह देखना था और टाइमिंग्स होती है इनकी, ये बोलते हैं कि पूरी एक राउंड बड़ी चक्कर 40 मिनट में करवा देंगे, और ये फ़ी भी वैसा ही लेती है आपका 400 के करीब। तो उस समय के अंदर करना है तो मुझे उनके हिसाब से चलना पड़ता है।
क्योंकि पूरा पैदल घूम के चलना और देख के तो फिर मैं वापस अभी जाने में मुझे काफ़ी लेट हो जाएगी। तो अच्छा, ये साउथ अफ्रीकन लायन का जगह है और देख के तो लग रहा है कि काफ़ी बढ़िया। चलिए, लायन दिखने मिलता है कि नहीं देखते हैं। बहुत उम्मीद से हैं कि लायन और टाइगर देखने मिल जाए, क्योंकि वो ज़्यादातर समय अपने पिंजरे में छुपी रहती है, किसी किनारे में छुपी रहती है। तो अभी उम्मीद करता हूँ कि ये एम्बियंस इतनी अच्छी तरीके से बनाई हुई है लायन का जगह, मतलब आप देखेंगे तो एकदम सॉलिड है, मतलब इतनी अच्छी, इतनी शानदार बनाई हुई है और इसको मेंटेन की गई है। मतलब ऐसा नहीं कि अंदर बहुत गंदा है, कोई जाते नहीं, नहीं, बहुत साफ सुथरा, क्लीन, हरियाली है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे दूर एक लायन दिख रहा है, चल रहा है। तो मैं और थोड़ा सामने की ओर जाता हूँ, आपको दिखा पाऊँ कि कैसे हैं यहाँ पे शेर, शेरनी, जो भी दिखाई दे। तो कुछ भी दिख जाए तो पता चलेगा कि कैसे यहाँ पे जू के इन लोग मेंटेन किए हुए हैं। जैसे हम दूसरे सारे जू, पुरी वगैरह के जू में गए, या कोलकाता अलीपुर जू में गए, या दूसरे जितने भी जू में गए, सारे जगह पे लायन दिखी, लेकिन किसी किसी जगह पे खाने, अरे ये तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो दो हैं, एक बैठे हुए हैं, एक सोए हुए हैं, और वो देख भी रहे हैं इधर उधर। तो यहाँ पे ये देख के लग रहा है कि इन लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन की जाती है। जैसे मैंने कहा कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे स्पॉन्सर करते, वाह बहुत बढ़िया है, कितने अच्छे दृश्य हैं। मतलब आप जब इसको जाकर देखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छी तरीके से, और आप जब जाकर देखेंगे तो आपको और अच्छी लगेगी, क्योंकि एकदम नेचुरल खड़े होके अपनी आंखों से देखने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगी। आप जा सकते हैं, देख सकते हैं, ये झारखंड में लोकेटेड है और जमशेदपुर स्टेशन से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो मैं जब उसको देखा और मैं कोशिश किया कि इसके कैसे एरियाज़ बनाए गए हैं, तो मैं देखा कि एकदम शेर जैसे जगह पे रहते हैं, बांस वगैरह के पेड़ पौधे होते हैं, जिस तरीके की एम्बियंस, जिस तरीके की जगह होनी चाहिए, उस तरीके से इसको सारे बना के मेंटेन किए हुए हैं। और ये शेर के मतलब अपने हेल्थ भी काफ़ी बढ़िया है, मतलब खाने पीने में अच्छे खाना दी जाती है इन लोगों को, क्योंकि शेर और वाघों को रखने के लिए अच्छी मतलब बहुत परिमाण में खाना चाहिए, जो बहुत सारे जू में मैंने देखा है कि अवेलेबल नहीं होती है। पर यहाँ पे बिकॉज अच्छी अच्छी कंपनियाँ स्पॉन्सर करती है, जो मैं बाहर में बोर्ड में देखा, तो मुझे लग रहा है कि उस वजह से इनको खाना पीना अच्छे मिलते हैं। तो जो भी हो, मैं यहाँ से अब निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे अब जाना है। इन्होंने कहा कि यहाँ पे शेर भी है और यहाँ पे टाइगर भी है। तो मैं अब कोशिश करता हूँ इस जगह से निकल के सीधा मैं चला जा रहा हूँ टाइगर की तरफ, जहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि कुछ एक शेर देखने मिल जाए। तो यहाँ पे टाइगर है और इनकी जो डिटेल दी गई है, इससे पता चलता है कि काफ़ी हट्टे कट्टे। अरे वाह, आते साथ ही मुझे यहाँ पे दिख गए ये दो शेर। ये दो बाघ यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं, और आप गौर से देखिए, मैं थोड़ा सा नज़दीक दूर करके देखता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी दूर में है। हम जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा पाऊँ। और थोड़ी सी शाम होने को आ रही है, तो लाइट काफ़ी कम है वहाँ पे, लेकिन ऐसे दिखने में जब मैं खड़े होकर वहाँ पे देख रहा हूँ कैमरा छोड़ के, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो देखिए, ये दो शेर है वहाँ पे और इनके अपनी अपनी मर्जी चल रही है वहाँ पे। वही मतलब आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे बॉस वही हैं, और वो अपनी मर्जी से जो करना चाहे वही करें। और उनके पिंजरा भी देखिए वहाँ पे है, जहाँ पे घुस जाते हैं शायद। वो बार बार एक देख रहा था मैं, बाघ पिंजरे की ओर जा रही है और दूसरी कुछ करने की कोशिश कर रही है। वो कहीं पे गए। अरे फिर मैं देखा एकदम सही बात वो पेड़ के सामने चले गए, तो मैं और थोड़ा नज़दीक जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। वो पेड़ में कुछ एक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। पहले तो मैं सोचा था कि वो पेड़ में ना चढ़ जाए, लेकिन नहीं, अभी तो पेड़ में नहीं चढ़ रहा है, लेकिन कुछ एक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और अजीबो तरीके से कर रहा है। ऐसा हम लोगों को बहुत कम देखने मिलता है कि दो पैर में खड़े हो गए। और फिर वो थोड़ा सा नज़दीक आ रहे थे, तो मैं थोड़ा जूम घटा दिया ताकि नज़दीक आए तो मैं थोड़ा सा रियल कैमरे में दिखा पाऊँ।
आपको ये देख के काफ़ी हैरानी हो रही होगी कि इस तरीके से इतनी नज़दीक से इस तरीके से लाइव मूवमेंट भी आप देख पाएँ इतनी आराम से। तो मुझे ये देख के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं काफ़ी ज़्यादा देर यहाँ पे ठहर गया, शेर और वाघ दोनों की तरफ। और देखिए इसकी दौड़ की मतलब काफ़ी तेज़ी से दौड़ गई, मतलब यहाँ से दौड़ गए ऊपर एकदम विद इन सेकेंड्स। और कुछ कर रहे हैं वहाँ पे, मैं फिर थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ जूम करके देख। अरे वो तो वहाँ पे बैठ गए, पता नहीं कुछ एक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और दूसरा एक तो ऐसा लग रहा है कि वो शिकार ढूंढने जा रहे हैं। तो यहाँ पे तो सेफ्टी है, शिकार तो उनका है यहाँ पे है ही नहीं। उनको समय समय पर खाना दी जाती है, मीट वगैरह उनके 12 से 15 kg के मीट सप्लाई किए जाते हैं शेरों को, ताकि उनका अपना जो भी शारीरिक डिमांड है खाने की वो पूरी हो सके, क्योंकि अलग अलग की खुराक अलग अलग होती है। देखिए ये बैठे हुए हैं और एक वहाँ पे कहीं पे मूवमेंट कर रहे हैं, फिर दौड़ रहे हैं देखिए दूर पे। तो मैं काफ़ी देर बिता चुका हूँ अब, मुझे तो ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी के ड्राइवर भी बोल रहे हैं कि जल्दी से निकले, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे देखनी है और आपको भी दिखानी है। तो छोड़ के जाने को तो मन नहीं कर रहा है यहाँ पे, लगता है कि बस खड़े खड़े इन लोगों को देखता रहूँ, क्योंकि ये बहुत आसानी से देखने मिलती नहीं है। ऐसे कुछ वीडियोस होते हैं, ऐसे कुछ जगह पे विजिट्स होते हैं, हम देखने जाते हैं तो ही हमको ये मिलती है, अदरवाइज ये तो मिलती नहीं है। तो मैं काफ़ी देर यहाँ पे ठहर गया, अब तो मुझे इतनी प्रेशर दे रही कि शायद मैं अभी निकल जाऊँ। तो आप जब यहाँ पे आएंगे, आप समय लेके जब आएंगे बात कर लीजिए वैसा, ताकि आप समय ज़्यादा बिता पाएँ, आप पूरा आनंद ले पाएँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अब मैं यहाँ से थोड़ा निकल जाता हूँ क्योंकि मुझे अब दूसरी और भी जाना है। तो निकल के मैं गाड़ी पे बैठ गया और मैं शुरू कर चुका हूँ। मैं बीच बीच में वीडियोस काफ़ी लंबी हो गई थी इसलिए कुछ कुछ कट कर दिया, ताकि आपको मैं टू दी पॉइंट अच्छी अच्छी चीज़ें कम समय पे दिखा पाऊँ। आप पूरी वीडियो को देखते रहिए और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा और अच्छी अच्छी ऐसे वीडियोज़ लाने का। मैं इवन शॉर्ट्स भी देता हूँ, आप देखिएगा टाइगर वगैरह का और अच्छी अच्छी चीज़ों का। तो यहाँ पे आके कुछ अजीब अजीब तरीके के डियर देखने मिले जो बहुत ही कम मिलती है यहाँ पे, वो सारे अवेलेबल है। आप देखेंगे उनके स्टडी के लिए बोर्ड में सारे डिटेल्स लिखे गए हैं, आप उसको पढ़ेंगे तो काफ़ी जानकारियाँ मिलेगी, बच्चों की एडुकेशंस के लिए भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। तो फिर मैं वहाँ से डियर के पार्क से निकल कर मैं फिर आगे की ओर बढ़ चुका हूँ, और बढ़ने के बाद मैं देख रहा हूँ कि डियर्स की बहुत सारी कैटेगरीज होती है अलग अलग तरीके की, और उनके अलग अलग साइंटिफिक नेम भी है और रियल नेम भी है। वैसा बहुत सारे डियर है, बहुत स्वीट है, जो अलग अलग एक्टिविटी कर रही है अलग अलग जगह पे। यहाँ पे कुछ एंटीलॉप है, कृष्ण मृग है जो मूवमेंट कर रहे हैं, बहुत स्वीट है देखने में, मतलब आप जब देखेंगे यहाँ पे रियली में यू विल एंजॉय अ लॉट। मैं तो आया तो मुझे लग रहा था कि मैं काफ़ी देर समय बिताऊँ, लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं बिता पा रहा था क्योंकि मुझे पूरी टूर कंप्लीट करनी है और बहुत सारी चीज़ें देखनी है। तो मुझे इतनी अच्छी लगे ये सारी जानवर, मैं क्या बताऊँ आपको। और यहाँ के एम्बियंस, क्लीनलीनेस, सफाई, हरियाली। फिर मैं आ गया तो सामने मोर मिल गया मुझे, मोर में मैं देखा बहुत सारे मोर हैं यहाँ पे, और कुछ एक है वो दूर में बैठी हुई है हाँ, लेकिन मौसम की वजह से वो चुपचाप बैठे हुए हैं। मैं इन लोगों का नाच या नृत्य नहीं देख पाया, मोर ने अपना पंख नहीं फैलाया। आपका अगर अच्छा नसीब रहे तो ये देखिए इसके पंख कितने अच्छे हैं, अगर ये फैलाते तो और सुंदर और खूबसूरत लगते, लेकिन ये अभी नहीं फैलाई। मैं काफ़ी समय यहाँ पे खड़ा हुआ था और फिर मैं यहाँ से नज़दीक से एक दो मोर को देखा बहुत दिनों बाद, आजकल तो देखने को मिलती नहीं है, काफ़ी कम हो चुकी है इनकी संख्या। तो देखने के बाद फिर मैं वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद फिर मुझे बोला कि यहाँ पे और भी कुछ एक जानवर हैं, मैं देखना चाहूँ तो रुक के देखूँ, जैसे जेबरा वगैरह है। तो मैं फिर यहाँ पे स्टे नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ एक पक्षियाँ मैं बोला था देखनी है, तो वो बोला ठीक है वहाँ पे पक्षियाँ में आप थोड़ा ज़्यादा समय बिताइए। तो यहाँ पे जेबरा के पार्क है और राइट में भी आपके कुछ एक दूसरे जानवरों के छोटे छोटे हिरनों की कुछ एक पार्क है, आप इसको समय दे तो आराम से देख पाएंगे। तो मैं कोशिश किया कि जेबरा को थोड़ा जूम करके देखो, ये देखिए वो वहाँ पे कुछ एक खा रहे थे। फिर मैं वहाँ से निकल गया और मुझे ला दिया एक ऐसे जगह पे जहाँ पे बोला कि कुछ एक हिप्पोपोटामस पानी के अंदर है,
और फिर वहाँ से मैं क्रॉस करके आ गया कुछ एक जगह पे जहाँ पे काफ़ी अलग अलग किस्म के बंदरे हैं, मतलब किस्म मतलब बहुत सारे किस्म के बंदर हैं और सबको एक अलग अलग पिंजरे में रखे गए हैं। आप उनका नज़दीक खड़े होकर देखेंगे तो डिटेल आपको बोर्ड में मिल जाएंगे सारे, जैसे ये डिटेल्स हैं कि उनके कैटेगरीज क्या है, नाम क्या है। और ये जैसे कुछ एक ऑल थे वो ऊपर बैठे हुए थे, मैं उसको भी देखा। पक्षियों की जगह पे मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ, मुझे जैसे बताया। अभी भी देखिए बंदर के अलग अलग नस्ल, अलग अलग किस्में इन लोगों ने रखी हुई है जो बहुत ही कम होती है, बहुत अच्छी कलेक्शंस होती है। तो मैं वहाँ से गुजरते गुजरते अब बोले कि जैसे पेड़ पौधे दिख रहे हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे पक्षियाँ हैं और कुछ एक पक्षियाँ है जो काफ़ी कॉस्टली है, मतलब एक एक पक्षी का आपका कॉस्ट 5 लाख से 10 लाख तक पड़ जाती है। वैसे भी पक्षियाँ रखी है, कुछ एक अलग अलग तरीके की पैरोट रखी हुई है जो बहुत ही कम दिखती हैं। तो यहाँ पे मैं वो थोड़ा देर देखा, आप यहाँ पर आराम से देख पाएंगे, ये एक मैना है। तो पता चला कि ये मैना पूरा आदमियों जैसे बातें बोलते हैं और मतलब बहुत अजीब है कि कुछ एक टूरिस्ट वहाँ पे जाए और मैने को कुछ ऐसे गाली भी सिखा दी कि कभी कभी मैना गाली भी देती है, लेकिन ये मैना पूरा हम लोगों जैसे आदमी जैसे बातें करती हैं। आप उनको जो बातें बोलेंगे वो उसी को रिफ्लेक्ट करती है। अगर थोड़ा सा समय बिताए उनसे बातें करें तो आपको ज़रूर एक दो बातें उनसे पक्का पता चल जाएगा कि वो कैसे बातें करती हैं। मुझे ये कभी काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन काफ़ी शाम हो रही थी, सूरज भी ढल रही थी तो अंधेरा था। ये सब जगह ऐसा है, एम्बियंस है कि काफ़ी अंधेरा टाइप का है, फिर भी मैं कोशिश किया कि मैं थोड़ा सा कैमरे के थ्रू भी देखूँ और नेकेड आई भी देखूँ। तो मैं खाली आंखों से भी देखा, काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैं आ गया एक मैंड्रिल किस नस्ल की कुछ एक बंदर है उस जगह पे, तो बोला कि ये बंदर की नस्ल काफ़ी अच्छी है और बहुत कम मिलती है। तो मैं सोचा कि इसे भी देख लूँ कि मैंड्रिल है क्या। तो फिर मैं आया तो मैं देखा कि लगभग आपका चिंपैंजी जैसे होती है उस तरीके की इनकी भी परिवेश बनाई हुई है, चारों ओर पानी है, बीच में एक आयरन टाइप के बना के रखे हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में। और वो रास्ता सिर्फ उसके पिंजरे की ओर जाती है। तो मैं देखा वहाँ पे काफ़ी एक बंदरों की नस्ल है जो बहुत ही अजीब और गरीब है, अजीबो तरीके से मतलब बनी हुई है उनकी शारीरिक गठन, उनकी फेस, उनकी कुछ एक जो मैं देख रहा हूँ बोर्ड में भी मैं देखा और मुझे बताया भी गया उस तरीके से। वो ड्राइवर ने मुझे बहुत सारा चीज़ पहले ही बता दिया। तो मैं जब यहाँ पे आया, मैं जूम किया तो देख रहा हूँ कि एक नस्ल है, हाँ उनकी मुंह में कुछ ब्लैक एंड वाइट, ये एक नस्ल की है, मतलब कैटेगरी सिंपैंजी जैसी है लेकिन बंदर की नस्ल है और अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ कर रही है। और देख के आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इस तरीके की इनकी परिवेश। तो मैं थोड़ा जूम करके भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका है। और इनके जगह पे तो देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से इन लोग अपनी जीवन यापन करते हैं, देखिए एकदम अजीबो तरीके से, और कितनी खूबसूरत हैं इनका आप नज़ारा जब सामने से देखेंगे तो आपको और खूबसूरत लगेंगे, बहुत ही खूबसूरत इनके नज़ारा। और एक दूसरे दूर में मैं देख रहा था पिंजरे की ओर जाने की कोशिश कर रहे, लेकिन वो तो फिलहाल बंद रखते हैं इन लोग, टाइम टेबल होती है जब इनका पिंजरा खोलते हैं, उनको खाना देते हैं, हर एक चीज़ का टाइम टेबल काफ़ी मेंटेन करते हैं। तो ये जगह पे मुझे अच्छा लगा, मैं एकदम काफ़ी यहाँ पे मुझे आनंद आया। तो आप भी जाएंगे तो काफ़ी मनोरंजन की जगह है, बच्चों के लिए काफ़ी एंटरटेनमेंट है, फोटोग्राफ की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और आपको चारों ओर मतलब सिर्फ जानवर के अलावा आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके की पौधे, वृक्ष और अच्छी अच्छी तरीके की आपको जगह मिलेगी देखने में जिसमें आप काफ़ी एंटरटेनमेंट कर पाएंगे। आप दूसरे जू में भी घूमे होंगे, हो सकते हैं कि मैं वहाँ पे गया नहीं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। और मैं देख रहा था कि बच्चे वगैरह भी काफ़ी मनोरंजन करते हैं यहाँ पे, परिवार के साथ आते हैं, कोई आगे कोई पीछे, कोई खेलते हैं। तो फिर मैं वहाँ से अब ऑलमोस्ट कंप्लीट करके जू से मैं निकलने वाला हूँ। तो जू का जो एग्जिट गेट है, एग्जिट गेट आपको सामने दिख रही है, यहीं से मैं इन किया था, प्लास्टिक वगैरह चेक हुई थी, बच्चों के पास चिप्स वगैरह थे पैकेट में डाल दिया था। बाहर निकल के देखिए एक दुकान मिलेगा राइट में, वहाँ पे कुछ एक आपको पानी वगैरह या थोड़ा मोड़ा खाने की चीज़ मिल जाएंगी। और लेफ्ट में आप ज़रूर देखेंगे कि आपको कुछ एक मूढ़ी वाले, चाय वाले दिख रहे हैं, मुझे जैसे दिखा अभी। तो ये एक दुकान है, यहाँ पे आज आप ज़रूरत की कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, बैठ के कुछ खा सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं।
और देखिए मूड़ी हम लोगों ने थोड़ा सा खरीदा, आ, आ, कुछ एक लोगों ने खरीदा तो मुझे लगा कि मैं भी खाऊं, तो मैं बोला मूड़ी कैसे वो बना रहे थे वहाँ पे, मैं थोड़ा दिखाया। और पीछे देखिए कितने अच्छे परिवेश से लेक है, छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग सारे हैं, देखिए कितने अच्छी मतलब दृश्य है। यहाँ पे खड़े होकर आप मूड़ी का आनंद लीजिए, मसाला मूड़ी खाइए। और मैं जैसे ये कर रहा था तो मुझे सामने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये मेरा तो काफ़ी पैसन है, मैं सोचा कि मछली पकड़ रहे हैं तो मैं थोड़ा देर खड़ा हो जाऊं, तो मैं अभी उनके वहाँ पे थोड़ा खड़ा हूँ और वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं मछली पकड़ने के लिए। और जिसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आपका पेशेंस, धैर्य मछली पकड़ने में, अगर धैर्य नहीं है तो आप मछली नहीं पकड़ पाएंगे। अरे ये उन्होंने उठाया, कोशिश किया लेकिन लगता है कि कुछ आया नहीं, तो फिर वो डाल रहे हैं। मैं देखा कि कुछ एक तो मछली को खाने के लिए जो खाना है वो हाथ में लिए हैं, लेने के बाद वो वहाँ पे लगा दिए हैं, और लगाने के बाद फिर से वो कोशिश कर रहे हैं उसको। हम लोगों को बोले पीछे से हट जाओ, और वो ज़ोर से मारे पीछे से सामने की ओर, और पानी में फिर छोड़े मछली का खाना। तो यहाँ पे मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी देर तक मैं खड़ा हूँ उनके साथ, मैं वीडियो के बीच में कट किया हूँ, मैं काफ़ी देर वेट किया, फिर उनके पास नहीं आए मछली, फिर उन्होंने कोशिश किया। और मैं भी सोचा कि मैं थोड़ा देर रुक जाऊँ, अगर ये दृश्य आपको दिखा पाऊँ तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत कम देखने मिलती है आजकल, और काफ़ी जगह पे ये बंद भी कर चुकी हैं, और यहाँ पे इन्होंने शायद परमिशन लेके ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं फिर देखा तो नहीं, उनके पास फिर मछली नहीं आया। और आप देख रहे हैं कि चारों ओर ऑलमोस्ट अंधेरा होने को आई, तो उम्मीद था काफ़ी अभी तक कि मैं मछली देख पाऊँ, पकड़ना नहीं देख पाया। फिर मैं थोड़ा सा चाय पीने चला गया, तो यहाँ पे एक लेमन टी मिलती है नींबू के साथ, मसाला देख के चाय, देखिए नींबू डाला कप में, कुछ मसाले डाले, और फिर देखिए तो मैं भी बोला कि भैया बना दो चाय, मैं उसको कर रहा हूँ रिकॉर्ड कि वो कैसे यहाँ पे फास्ट चीज कर रहे हैं डिलीवरी के लिए। उन्होंने पहले नींबू डाला, मसाला डाला, फिर चाय को मिला दिया उसके साथ। तो ये चाय पीने में आपको काफ़ी मज़ेदार लगेगी, काफ़ी अच्छी लगेगी। मैंने खुद पी चु मैं वहाँ पे पी चुका, और काफ़ी समय बिताने के बाद मैं अब जू से निकल रहा हूँ। तो जमशेदपुर के यहाँ पे इस जू के पास आपके एक जुबली पार्क भी है। जुबली पार्क आप लोग सुने होंगे, ये बहुत फेमस है। यहाँ पे 3 मार्च में ना, जब जमशेद जी का, जब जमशेदपुर का एस्टेब्लिश डे इन लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो उस डे काफ़ी मतलब आप यूनिक अपीयरेंस होती है यहाँ पे। तो मैं जुबली पार्क थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। मैं जस्ट रास्ता को जू की ओर से क्रॉस किया तो जुबली पार्क मुझे मिल गया। ये पार्क का मतलब एरिया काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा। मैं घुसते ही देख रहा हूँ, जितनी दूर आँखें जाए उतनी दूर पार्क मुझे दिख रही है, और बहुत अच्छी तरीके से साफ सफाई मेंटेन की हुई है, बहुत अच्छी तरीके से घास वगैरह लगाई हुई है, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, और शाम होने आ रही है तो बहुत जगह पे लाइट थोड़ा कम है। देखिए बच्चे काफ़ी मनोरंजन कर रहे हैं, खेल पाएंगे, जो आजकल फ्लैट में रहते हैं, घर में रहते हैं, खेल नहीं पाते, इस तरीके के पार्क में जाएंगे तो उनको काफ़ी आनंद मिलती है, और बहुत अच्छी तरीके से साफ सफाई मेंटेन की गई, तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी अलग अलग तरीके के हॉबीज़ यहाँ पे मेंटेन करते हैं, जैसे कोई जानवरों को खाना खिला रहे हैं, कोई आके बैठ रहे हैं, कोई आके किसी तरीके की एक्सरसाइज भी करते हैं। और मैं यहाँ पे देखा कि बहुत सारे मतलब इस तरीके की छोटे छोटे फव्वारों की जगह बनी हुई है, लेकिन मैं सुना हूँ कि वो शाम अंधेरा होने के बाद यहाँ पे फव्वारे या लाइट जलाई जाती है, जो काफ़ी सुंदर होती है देखने में। तो मैं आपको पार्क का चारों ओर का एरिया थोड़ा कवर करके दिखा दे रहा हूँ, देखिए कितना बढ़िया है, और हर जगह पे आपको एक अच्छी सुंदर रास्ता मिलेगी इधर उधर जाने के लिए। उस रास्ते पे कोई भी उम्र के बच्चे हो, या मिड एज हो, या बहुत सीनियर एज हो, ओल्ड एज हो, हर कोई जा सकता है। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे फव्वारों के लिए अलग अलग जगह बनी हुई है, यहाँ पे शाम को पानी छोड़ी जाती है। तो उसके बाद मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि अंतिम अंत कहाँ तक होती हैं, तो मैं काफ़ी आगे बढ़ता जा रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि अपीयरेंस बहुत अच्छा है, और कितनी साफ सफाई मेंटेन की गई है, सारे पानी देखिए एकदम क्लीन है, मतलब एवरीडे दे यूज टू चेंज, इतने लोग हर डे बदलते हैं। और मैं एक जगह पहुंचा जहाँ पे मुझे सड़क भी दिखी, वो एक बहुत ही साफ सफाई से मेंटेन की गई। आप भी देखेंगे बहुत कम शहर होती है जहाँ पे
और वो भी एक दर्शन मतलब जू पे, जहाँ पे काफी दर्शक आते हैं जो कैसे यूज करते नहीं पता। तो देखिए, मैं अब उस सड़क की तरफ से उल्टी तरफ मैं फोटो लेता हूँ, दूर में आपको हिल देख रही है जिसको हम लोग बोलते हैं डिमना हिल। उस तरीके के उस तरफ भी मैंने आपको थोड़ा कैमरा दिखाया, और बीच में मैं आपको थोड़ा फास्ट दिखा दे रहा हूँ क्योंकि मेरा भी समय हो चुका है। ये जमशेद जी का एक पार्क बना हुआ है, यहाँ पे बोर्ड भी लगी हुई है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पार्क बहुत सुंदर है। फिर वहाँ से मैं आगे की ओर बढ़ा क्योंकि अब मुझे ज़्यादा समय नहीं था, यहाँ से निकलना था। तो दूर में देखिए हिल के व्यू है, उसके बाद पार्क की व्यू है, उसके बाद नेचुरल एनवायरनमेंट है, पानी काफ़ी अच्छी होती है इन सब जगहों की। तो आप यहाँ पे जब आएंगे आप मनोरंजन करेंगे, आनंद करेंगे और काफ़ी अच्छी समय बितेगी आपको अपने और अपने परिवार के साथ। और किसी भी तरीके की गंदी चीज़ें, किसी भी तरीके की गंदी हरकतें यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, काफ़ी मेंटेन की है यहाँ पे। और आप आएंगे तो ज़रूर यहाँ पे काफ़ी मनोरंजन करेंगे, आनंद करेंगे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी। तो मैं कोशिश किया कि जितना कवरेज हो सके मैं कर पाऊँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।